मैं हूं हैदर वहीद। मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। एक बार फिर एक टेररिज्म की लहर जो पिछले हफ्ते जिसके बारे में हमने बात की थी, इस हफ्ते लाहौर के अंदर DHA लाहौर के अंदर धमाका हुआ, आठ लोग शहीद हुए, आठ जानें ज़ाया हुई। उसके अलावा इस धमाके की नौयत, इस धमाके की खुदकुश होना या ना होना, या इसके अंदर एग्जैक्टली किस तरह का मवाद इस्तेमाल हुआ था, ये अभी क्लियर नहीं है। कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन टेररिज्म थी और बॉम्ब था, इस हवाले से कम अज़ कम सब लोग जो हैं वो इस वक्त तक अग्रीड हैं। ऑल्दो एक मिनिस्टर की तरफ से ये क्लेम ज़रूर आई कि शायद ऐसा नहीं था। उसके अलावा चरसद्दा के अंदर हमला हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे, पुलिस वालों ने एक बार फिर दिलेरी दिखाते हुए एक मेजर डिज़ास्टर को अवर्ट करते हुए उसको एक माइनर डिज़ास्टर में ज़रूर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हैदर वहीद साहब, इस सब के जवाब में एक सनसेट क्लॉज के साथ आइन के अंदर तरमीम की गई थी कि हम लोग जानते हैं कि जुडिशल मेयार इस एक हद तक होना चाहिए, लेकिन हम उसको नीचे करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स को ला रहे हैं जिसके अंदर ट्रायल के कुछ अलग तरीके होते हैं। इसलिए ला रहे हैं इसलिए कि हमारी रियासत ने माना था कि हमारा एविडेंशरी निज़ाम, हमारा कानून शहादत और हमारा उसके हवाले से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो हज़म नहीं कर सकती इस टेररिस्ट वेव को, और जुडिशरी जो है उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। लिहाजा टेम्परेरली 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स आए थे, वो 2 साल पूरे हो गए। हमारी एविडेंशरी और क्रिमिनल लॉज के अंदर और क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, और फ़र्क बस अब ये है कि फ्राइडे को सब मिले और फैसला ये हो रहा था कि 3 साल के लिए इसको बढ़ाया जाए, 2 साल के लिए बढ़ाया जाए। इसके अंदर रिलीजियस और सेक्टेरियन टेररिज्म इसको कहा जाए या पूरा टेररिज्म कहा जाए, वापस हम स्क्वायर वन पे हैं। अब हम 5 साल मिलिट्री कोर्ट सफ़र करेंगे या 4 साल करेंगे, बात ये हो रही है। कॉन्वर्जेशन इस पर ख़त्म हो गई है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत पेश क्यों आई, ये ज़रूरत के तहत हम अगर कर रहे हैं तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर किस तरह कर रहे हैं। जी, मेरे ख्याल से इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि दो साल का पीरियड क्यों दिया गया था। इसीलिए दिया गया था क्योंकि यह सोचा गया था कि इस टाइम पीरियड में शायद हम अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल इंस्टीट्यूशंस को इतना मजबूत कर लेंगे और हम और जुडिशरी को हम इस पोजिशन में आ जाएंगे कि वो तहफ़ दे सकें, जो कि एक जज को ज़ाहिर है मिलनी चाहिए कि वो इस नौयत के केसेस को आम तौर पे एडजुडिकेट करे। मेरे ख़्याल से उस तरफ एक कदम भी अगर बढ़ा है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है, एब्जेक्ट फेलियर है ये हुकूमत का, क्योंकि ये कहीं से नहीं बात मानी गई थी कि मिलिट्री कोर्ट्स ताहयात होने चाहिए। एक टारगेटेड मूव थी, एक स्ट्रेटिजिक मूव थी और सही मूव थी बेशक, लेकिन साथ साथ अगर हमने अपने सिविल इदारों को मजबूत नहीं किया, उनको तहफ़ नहीं दिया, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हमारे जो है वो मजबूत नहीं हुए, हमारी प्रोसिक्यूशन जो है वो ज़्यादा अहल नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से इस तरह के मेजर्स इसी तरह से हैं कि हम ऑपरेशन तो करते रहेंगे, पहाड़ों पे लोगों को मारते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मजमूई तौर पर सिचुएशन जो है वो देरपात किसी तरीके से बेहतर नहीं होगी। अभी हमने देखा ज़रूर है कि एक मजमूई तौर पे एक इम्प्रूवमेंट आई है। रीसेंट टेरर वेव को थोड़ा अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रख सकें तो एक क्रेडिट हम ज़रूर देंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर ये लॉन्ग टर्म व्यू लिया गया होता तो आज हम जो है ये बात नहीं कर रहे होते। मे बी 1 साल एक्सटेंड आज भी हमें करनी पड़ती, लेकिन कुछ हमें दिखाने के लिए होता कि भाई 1 साल आप कर दें, देखें 2 साल में हम यहाँ आ गए, इसलिए यहाँ से कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे साथ शेख रशीद अहमद साहब भी हैं, उनका अवामी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से अपोजिशन आ रही है, शेख साहब 3 के बजाय 2 साल, 2 के बजाय 1.5 साल होना चाहिए, आपकी तरफ से आपकी राय लेना चाहेंगे। और आप ये भी बताइए सर कि ये मौका आना चाहिए था कि एक बार फिर सब मिलकर बैठ रहे हैं और फैसला कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स कितने और दिनों के लिए होने चाहिए या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कुछ बेहतर कर दिया जाता। देखिए, नतीजा तो कहीं बेहतर नहीं हो रहा जी, और ये इतनी जल्दी बेहतर होने वाला भी नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि देखें 4 मुख्तलिफ चीफ आए हैं, 4 मुख्तलिफ चीफों ने, ज्ञानी साहब ने राष्ट्र के नाम से और दूसरे ने निजात के नाम से और फिर ज़रब-ए-अज़ब के नाम से और फिर अब रद्दुल फसाद के नाम से,
ये बड़ा गहरा जख्म है और ये रच बस गई है दहशत गर्दी। अगर कोई ये समझ रहा है कि साल छह महीने और दो साल की बात है तो वो अकल का अंधा है। ये बहुत लंबा मसला है और उनके बड़े डीप रूट्स हैं। अच्छा, हल से पहले शेख साहब इस मसले को थोड़ा सा व्यूअर के लिए थोड़ा सा बयान करेंगे। सर ये मसला है कि अभी हल पे बाद में आएंगे, आपने कहा कि ये बहुत बड़ा जख्म बहुत बड़ा मसला है, थोड़ा सा समझाएं हमें कि ये मसला एक्चुअली है क्या, कितना बड़ा है? देखें, ये सारे लोगों को समझ है, सारे दुनिया में तफरकाबाजी की जंग है, सारी दुनिया को समझ है कि क्या मसला है आईएसएस का और क्या मसला है हमारी अपनी फोर्सेस का हमारे अपने इलाकों में, और क्या मसला है इस मुल्क में एक जो अनडिक्लेयर वॉर निकली है जिसे हमारे पड़ोसियों की भी मदद हासिल है, और जो पाकिस्तान के अंदर जो अनडिक्लेयर वॉर शुरू हुई है ये कोई एक दो महीने की बात नहीं है। इसलिए अवामी मुस्लिम लीग और मैं, हम पहले भी मीटिंग में ये कह चुके हैं कि हमें दो साल मिलिट्री कोर्ट्स के एक्सटेंशन पे कोई इतराज नहीं है, और जो पार्टियों के सब थोड़ा सा ये आप बताएं, आपने कहा कि ये मसला बहुत बड़ा है, आपने ये तो कह दिया, क्यों है? क्योंकि हमारी रग रग में हमारी सोच में ये आइडियोलॉजी घुस चुकी है क्या? आप बताएं कि ये मसला आप कह रहे हैं कि नहीं हल होने वाला, अभी दो साल में भी नहीं होने वाला, तो क्यों ये मसला जरा बयान करें। देखें, आप क्या समझते हैं, हर एक जगह पे उनका हाइड आउट है, हर जगह उनको सपोर्ट हासिल है, हर जगह, आपको नहीं पता कि मसला कितना गंभीर हो चुका है कि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनका वो रस बस नहीं गए हैं और इंटरनेशनली डोमेस्टिकली उनको सपोर्ट हासिल है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये मसला जो है इतनी आसानी से हल होने जा रहा है तो मैं उसका हामी नहीं हूँ, मैं नहीं समझता। लेकिन शेख साहब, एक जमाना था जब बेशतर पाकिस्तान के अवाम को कंफ्यूजन थी कि तालिबान सही हैं गलत हैं, इस्लाम के खिलाफ तो अमेरिका कहीं जंग नहीं कर रहा, हमको इस्लाम के खिलाफ तो चीज़ नहीं करने जा रहे। आज एक हद तक कौम मुत्तहद नज़र आती है कि ये पाकिस्तानियत के खिलाफ हैं, और इनके खिलाफ मेरे ख्याल से आज पाकिस्तानी ज्यादा मुत्तहद हैं पहले के मुकाबले में। आप इस तरह से नहीं देखते क्या? मैं नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान के लोग अंदर कुछ बातें करते हैं, ये सारी सियासी पार्टियां अंदर कहती हैं कि हम फौजी अदालतों के हामी हैं, बाहर आके नखरे करती हैं, अंदर जो तहफात बताते हैं अपने अपने मसलों के तहफात बता रहे हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर इनका असर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इनका बहुत गहरा असर है। अच्छा, अवाम उन्नास में भी है ये या सिर्फ फंडिंग है? क्या अवाम में कितने घुसे हैं आपके ख्याल से? ये सोच अवाम में कितनी परमिनेंट कर रही है कि पहले कजाफी कर देता था, पहले सद्दाम कर देता था, आप हमारे पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। ये सवाल तो आप मुझसे इसलिए ना पूछे कि ये लोगों को समझ नहीं है, ये लोगों को सारी समझ है कि तो फायदा उठा रहे हैं ना अपने तफरके का और अपने मामलात की जंग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो, उनके मुल्क में ना हो, उनके मुल्क में भी ठीक है। लेकिन शेख साहब, इस वक्त अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हम पूछ रहे हैं तो सर ये नहीं है कि ये मामला संगीन नहीं है लिहाजा हमें मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत नहीं है? बात ये है कि आप लोगों ने मिलकर जब दो साल दिए थे सिविल हुकूमत से ये तोके लगा रहे हैं कि सिविल हुकूमत जो दो साल में नहीं कर सकी वो अब कर सकेगी, वो उनको जनवरी में कर लेना चाहिए था, 30 दिसंबर तक कर लेना चाहिए था। इनकी जो अपने मामलात हैं वो इतने पचीदा हैं और इतने गंभीर हैं कि इनको समझ नहीं आता ना, ये दो दो तीन तीन दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, छह छह दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ये और बातों के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि इन्होंने कितना रिजिस्ट किया रेंजर्स को भी आने के लिए, और ये अपनी इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है या जो उनका उनकी पहुंच है वो खुद कई दफा बच चुके हैं, रायवंड में पकड़े गए हैं लोग और रायवंड के करीबी घरों में पकड़े गए हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि सारी कौम को मिनहसल कौम स्टैंड लेना चाहिए, अपने अकीदे को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो फसादी है वो ज्यादा पॉपुलर है, जो तबलीग का काम करता है, जो दीन की तरवीज का काम करता है उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। जो शेख साहब ये मुझे बताएं कि अब अगर आप इस बहस में इतना क्लियर व्यू रखते हैं तो आप एपीसी में जाएंगे क्या, अपना व्यू सामने रखेंगे, दूसरी पार्टियों को बावर कराएंगे कि ये वक्त की जरूरत है कि मिलिट्री कोर्ट्स को मजीद एक्सटेंड किया जाए दो साल के लिए? मुझे बावर कराने की जरूरत नहीं है, सब लोग ऑन बोर्ड हैं, ऐसी आके बातें गैर जिम्मेदारी की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आवाम के लिए बजरा, ठीक है, तो सारे ऑन बोर्ड हैं। ये देखें, अपने अपने जिस जिसका जो मसला फंसा हुआ है अपना मसला हल करना चाहता है। अवामी मुस्लिम लीग और शेख रशीद का कोई मसला नहीं फंसा हुआ,
98% लोग अंदर राजी हैं, 98% अंदर लोग राजी हैं, इस आरएम का जो मसला है वो हल हो जाएगा। आई कैन बिलीव दैट। ठीक है, सही शेख साहब, लगता तो यही है। सही है शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। हेदवीद, ये मतलब इट्स सैड कि हम लोग फेस सेविंग के लिए हमारी ऑपोजिशन अपने आप को इस कानून के खिलाफ या साथ या नजरिया जरूरत के तहत हमें धक्का दे दिया तो हम साथ आ गए। अगर यही कॉन्वर्जेशन हो रही है और दो साल गुजर चुके हैं तो ये दो साल का हो या डेढ़ साल का हो या तीन साल का हो, बाय कंसेंसस इसके एंड में फिर यही हो रहा होगा एक बार फिर। लगता यही है मोई जाफरी साहब, और उसकी वजह यह है कि बिल्कुल क्लियरली एक लैक ऑफ इंटेंशन नज़र आती है कि कोई पर्पस यहाँ है ही नहीं कि सिविलियन इदारों को मजबूत किया जाए। अब ये खुद क्योंकि काम कर नहीं सकते तो फौजी अदालतों और फौज के थ्रू ऑपरेशन को किस मुंह से अपोज करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इंटेंशन अभी तक नज़र नहीं आ रही, हुकूमत वक्त की भी नहीं और अपोजिशन की भी नहीं कि हम जो है कोई बुनियादी तौर पे ऐसी तब्दीली लेके आएँ कि सिविलियन इदारे इस मुल्क की भागदौड़ जो है संभाल सकें और आइंदा हमें ज़रूरत ना पड़े कि फ़ौज अपना काम करती रहे और सिविलियन इदारे अपने काम करें, जज का काम जज करें। मेरे ख्याल से इस तरफ कोई सोच है ही नहीं हुकूमत की, ना अपोजिशन की, ना किसी सियासतदान की। हम इस हवाले से हुकूमत के रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे और ऑब्वियसली अपोजिशन की भी लेंगे। हमें हुकूमत को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएल नून के सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। और हमें पीटीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। जनरल कयूम साहब, ये एक फेलियर का एहसास है जिसके बायस हम एक और आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं, एक ऐसी तरमीम जिसको जुडिशरी के जो भी आपको जुडिशरी का कंसेंसस मिलेगा वो यही कहेगा कि ये जुडिकेचर को और सिविल जुडिकेचर को कमज़ोर करता है ये तरीका कि आप एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम बना दें, उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें पोशीदा हों, उसके अंदर ज़्यादातर कवानीन का इस्तेमाल जो हो वो उस मेयार पे ना हो जो सिविलियन अदालतें करें। तो ये सर एक फेलियर का पहले ये मानना है कि हम नहीं कर पाए जो हमने कहा था कि हम दो साल में कर लेंगे, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दहशतगर्दी की हद तक कम अज़ कम ठीक कर लेंगे। या देखिए मेरे भाई, ये आपका बड़ा वैलिड एक पॉइंट है और इस पे मैं ये इन हम्बल वे कहना चाहूँगा कि ये जो दहशतगर्दी है ना पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की क्रिएटेड नहीं है, इसकी पाकिस्तान के अंदर ज़रूर कुछ जड़ें हैं और कुछ रीजंस हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो रीजन के अंदर दहशतगर्दी फैली है ये रीजनल और बैनुल अक्वामी इसकी वजूहात हैं और हमें ये दयानतदारी के साथ इसका एनालिसिस करना चाहिए। और इसलिए दो साल पहले जब ये सोचा गया कि सीरियस सिचुएशन होती जा रही है, जब वो बच्चों के ऊपर हमला हुआ स्कूल के अंदर या एयरपोर्ट्स के ऊपर हमारे होना शुरू हुआ, तो पहली फेज़ के अंदर तो आपने जो सवात का ऑपरेशन किया था, इसके बाद सेकंड में फिर ये ज़र्बे अज़ब हुआ और सोचा ये गया कि इन दो सालों में हम इस मिलिटेंसी को कंट्रोल कर लेंगे, नंबर वन, एंड नंबर टू अपने जुडिशियल सिस्टम को बेटर भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये उस वक्त भी डाउट कोई नहीं था कि अगर आपका जुडिशियल सिस्टम आप उसको रेनोवेट करके कुछ ना कुछ बेहतर भी करते हैं तो अगर थ्रेट का मैग्नीट्यूड ये है जो आज है, जिसके अंदर ना जज सेफ है ना विटनेस सेफ है और ये लोग जो हैं सुइसाइडल अटैक्स हैं, तो इवन देन आपका वो रेनोवेटेड या अपग्रेडेड जुडिशियल सिस्टम भी ऐसी चीज़ को कोप करने के लिए आपको एडिशनल स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो अमेरिका जैसे मुल्क ने भी लिए, दुनिया के अंदर होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस मकसद के लिए सारी पार्टियां, मैं आपकी इस पूरी बात से मुत्तफिक हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स जरूरी हैं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, बजाय इसके कि कर्नल बैठ के जज का काम कर रहा है, वो कर्नल जज की सिक्योरिटी पे क्यों नहीं लगाया जा सकता? एक सिस्टम, बेसिक सिस्टम बन जाए उसके अंदर उस कर्नल का और उन सारे लोगों का काम हो उस जज की तहफ़ करना और उस जज को अनोनिमिटी दे दें। पूरी दुनिया में लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ बैटल की है, मिलिट्री कोर्ट्स पूरी दुनिया ने इस्तेमाल नहीं किए हैं और ये सिस्टम, ये एक बेसिक ढांचा खड़ा करने में दो साल ही लगने थे, फैसला इसलिए दो साल का किया गया था। सर देखिए जावेद साहब, ये बात इतनी आसान नहीं है कि सिर्फ एक जज को प्रोटेक्शन देने से या विटनेस को प्रोटेक्शन देने से आपका टोटल ये जुडिशियल निज़ाम जो पिछले 70 सालों से हम चला रहे हैं ये फरसूदा है। इसके अंदर आपको बहुत तो लंबी चौड़ी कहना चाह रहे हैं कि मिलिट्री अदालतें क्या बहुत बेहतर काम कर रही हैं सिविल अदालतों से? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने एक सिस्टम ऐसा बना लिया है जो कि 40-50 साल से सिविल सिस्टम जो चल रहा है उससे बेहतर है?
मिलिट्री वाला सिस्टम जो है? नहीं, कभी भी मैंने ये नहीं कहा, ये तो आपकी कंक्लूजन है ना, आपने ड्रा कर लिया। नहीं बट आप, मैं सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपको ये जो जहाँ या जिन प्रेजेंट जो सिस्टम है उसमें कुछ सूबों ने काम करना था, जेलों की सिचुएशन, थाने का कल्चर, पुलिस की अपग्रेडेशन, प्रोसिक्यूशन जो आपकी ये इंटेलिजेंस है, क्रिमिनल इंटेलिजेंस वगैरह, तो उसके ऊपर काम भी हो रहा है। मैं चूंकि सेनेट के अंदर भी है और मुझे पता है कि रिपीटेड सिटिंग होते हैं। इमरान इस्माइल साहब के पास भी जाना है और ब्रेक की तरफ भी जाना है सर आपसे, बस ये मेरा कहना है कि देखें सर, हमने कोई जजों से वर्जिश करा के उन्हें ताकतवर नहीं करना था। अगर उनको बात तहफ़्फ़ुज़ देने की है तो वो तो उस वक्त भी फौज दे सकती थी और आज भी दे सकती है, और विटनेसेस की भी प्रोटेक्शन के हवाले से कहा जा सकता नहीं है जी। सिर्फ सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देने की बात नहीं है, आपका एविडेंस का लॉ, आपकी बहुत सी चीजें, तो क्या लॉ मिलिट्री कोर्ट्स का बेहतर है? आप ये क्या ये कह रहे हैं कि वहाँ एविडेंस बेहतर चलती है क्या, और बेहतर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है क्या? और ये मिलिट्री कोर्ट्स का सिलसिला, मिलिट्री कोर्ट्स का सिलसिला को परमानेंट अरेंजमेंट कोई भी नहीं कह रहा, ये परमानेंट ही है हम समझेंगे, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रोविंसेस। सेनेटर साहब जी, सेनेटर साहब माजरत, मैं प्लीज़, आप जो कह रहे हैं ना सर कि क्योंकि हमारा एविडेंशरी कानून शहादत का निज़ाम बड़ा फरसूदा है, लिहाजा आप एक ऐसा सिस्टम ले आए जिसको कानून शहादत की जहमत ही नहीं करनी, ये तो हल नहीं है ना सर? नहीं, मैं नहीं ऐसे कह रहा, देखे ना, आप अपने कंक्लूजन निकालते रहे तो आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन एक महजब मुल्क के अंदर जहाँ हालात नॉर्मल हों, आपका सिविल कानून होना चाहिए। अभी आपको फॉर सम टाइम, और ये जो लोग ट्रायल के लिए सूबों के इन कोर्ट्स में आ रहे हैं, ये इसको सूबे क्लियर करते हैं, हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जिनके खिलाफ पूरे सबूत होते हैं, लेकिन सिविल कोर्टों में निज़ाम, अभी आप देखिए कि 161 जो इन्होंने एग्जीक्यूट भी की आर्मी ने, चूँकि अपील का राइट सिविल कोर्ट की तरफ चला गया है, तो 12 एग्जीक्यूट हुए हैं, 149 के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, पता नहीं कितना अरसा पड़े रहेंगे। सेनेटर साहब, इमरान इस्माइल साहब की तरफ हमें जाना है, फिर ब्रेक की तरफ भी जाना है आपकी इजाजत से। इमरान इस्माइल साहब, आप इस पे कुछ नजर डालें कि 2001 में 9/11 हुआ और आज भी अमेरिका में दहशतगर्दी एक टॉपिक ज़रूर है, लेकिन दहशतगर्दी की बात अमेरिका में एक मुख्तलिफ तरीके से अब होती है। जिस लेवल का थ्रेट अमेरिकन फील करते थे 2001 में, उस लेवल का शायद अब थ्रेट नहीं फील करते। 2001 के बाद कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक वहाँ नहीं हुआ है, बेशक हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है अमेरिका से, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि 2001 के बाद से आज तक भी हमारा थ्रेट लेवल में क्या फ़र्क आया है? क्या कोई ऐसा फ़र्क आया है कि हम कह सकें कि हमने बड़ी प्रोग्रेस कर ली है 2001 के बाद से? इस सारी बात पर हम आपसे पूछेंगे और आपका भी नज़रिया लेंगे कि अगर आप PTI ये फिलॉसफी के मुताबिक चलें, जिसमें एक वक्त पे इमरान खान साहब कहते थे ये हमारे ही लोग हैं, इनसे बात करनी चाहिए, तो PTI क्या करती है? अभी हम PML नून को तो दोष दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया 2 साल में, लेकिन PTI क्या करती है? इस पे भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एजेंडा 360। हम दहशतगर्दी और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब सीनियर लीडर हैं कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब, पहले तो आपको शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो, मेरी हमें पता चला कि आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। सर मिलिट्री कोर्ट्स को भी मेरे ख्याल से रिन्यू करने की एनिवर्सरी की आज हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा सर कि अब ये 2001 से आज तक हम इसी चीज़ की उसी नौयत के से क्यों बात कर रहे हैं? मुझे ये मसला नहीं है कि आज भी हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह कर रहे हैं, थ्रेट लेवल कम क्यों नहीं हुआ? ये कुछ हज़ार लोग, 10,000, 50,000, 1,00,000 लोग ने हमारे मुल्क को 2001 के बाद अब कितने साल हो गए, 16 साल से उसी थ्रेट लेवल पे हम क्यों हैं? मतलब ठीक है, कुछ ऊंच नीच ज़रूर होती है, आजकल थोड़ी सी कम है थ्रेट लेवल, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था 16 सालों में। क्या कहेंगे इमरान इस्माइल साहब? शुक्रिया अहद साहब। बात दरअसल ये है कि ये जो जंग जिसमें पाकिस्तान अब घुसा है, ये वॉर ऑन टेरर कह लें इसको, या इसके जितने ऑपरेशंस के नाम आते जा रहे हैं वो नाम आप देते रहे इसको, ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये कोई बहुत छोटी या मामूली सी जंग नहीं है जिसको, जैसे शेख रशीद साहब अभी कह रहे थे, जिसको चंद हफ्तों में जीता जा सके या इसको ख़त्म किया जा सके, ये एक ऑन मामला है
जो शायद एक जनरेशन निकल जाए इसमें से काबू पाते पाते हमें, और खुदा करे कि हम एक जनरेशन में काबू पा जाएं इसके ऊपर। ये मामला दुनिया भर के अंदर हैं, आप देख रहे हैं सब तरफ से ये ग्रो ऑफ टेररिज्म जो है वो बढ़ती चली जा रही है और नए नए नामों से ये आ रहे हैं, और पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है इसको दुनिया के लिए कि वो यहाँ से जंग लड़ रहा है, और यहाँ पे हमारे अफवाज या हमारे दूसरी एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारे सिविलियंस की जानें इसके अंदर जाया हो रही हैं। हमारा सवाल ये फुकदान रहा है वो ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, पाकिस्तान कहने को और ममालिक भी, तो ये प्रोग्रेस है 16 साल में सर हमारी पूरी सारे ममालिक? नहीं नहीं, हमारा जो फुकदान रहा है ना हैदर भाई, हमारा जो फुकदान रहा है वो ये रहा है कि हम स्पॉट एरियाज के ऊपर जाते हैं कि जी कराची में दहशतगर्दी है, जी पिशावर में है, जी वजीरिस्तान में है। हम ये नहीं करते कि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उसको मनोवन पूरे मुल्क पर इम्प्लीमेंट करते। कब से चीख रहे हैं कि जी पंजाब के अंदर स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, अब मालूम हुआ कि 120 स्लीपर सेल्स। इमरान साहब एक एक करके चलेंगे, आपने इम्पोर्टेंट बात की है, आपने इम्पोर्टेंट बात की, ये हम नहीं करते। अब बताएं ये क्यों नहीं करते, नीयत का मसला है, असेसमेंट गलत है, हमारी स्ट्रेटेजी गलत है, या सिरे से नीयत इसको जड़ से निकालने की है ही नहीं, वजह क्या? नहीं नहीं, इसमें नियतों का फुकदान है। नंबर वन ये कि आप बार बार ये अपनी पॉलिटिकल मसले की वजह से, ये नहीं कि टेररिज्म खत्म करने की नियत नहीं होगी उनकी, जरूर होगी, लेकिन अपनी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से दिखाते हैं कि जी पंजाब जो है वो बड़ा पुरसकून एरिया है, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो लपेट में है। कोई फॉरन के पास वापस क्योंकि फोन पर ज्वाइन किया है, आपको इंटरजेक्ट करके एक सवाल बीच में उनके साथ हो जाए। लतीफ खोसा साहब, आपकी हुकूमत एक समझी जाती थी लिबरल प्रोग्रेसिव हुकूमत होगी, एक ऐसी पार्टी जो कि टेररिज्म के हवाले से बिल्कुल क्लियर रही है, लेकिन सर आपकी फेडरल गवर्नमेंट्स, आपकी सिंध गवर्नमेंट सब हमने देख ली और कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट हमने नहीं देखी एज सच। आप क्यों समझते हैं सर कि आज भी हम दहशतगर्दी के हवाले से उसी तरह से बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये इशू जो है पाकिस्तान से खत्म होना तो दूर की बात, बट यही लगता है कि जैसे बढ़ता चला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी विल है दहशतगर्दी को खत्म करने की, इस हुकूमत की क्या इनकी नीयत है खत्म करने की? देखिए अगर नीयत इनकी खत्म करने की होती दहशतगर्दी को, तो जिस तरह से सारी पार्टीज का इज्तिमा करके और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था उस पे इन्हें चाहिए था कि मनोन अमल करते और तमाम निकात पर अमल करते। ये नहीं है कि सिर्फ फौज के सपोर्ट कर दिया और फौजी अदालतें बना दी और फौजी अदालतों में कुछ लोगों को दो साल का फौज को कर दिया, ये भी तुम हुई और उसमें से अमल दरामद अशरे अशीर हुआ। तो देखें जो बुनियादी अहदाफ हासिल करना मकसूद था इस दौरानिए में कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, आप नेटा को जो है फाल करेंगे, आप जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क को जो है कोऑर्डिनेट करेंगे जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस। वेल सेड सर, बट क्या सिंध हुकूमत के हवाले से आप मुतमईन हैं कि उन्होंने ये किया है जो आप कह रहे हैं कि करना चाहिए था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पंजाब में और वफाक में, क्या सिंध में आप मुतमईन है? देखिए मुस्लिम लीग नून ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून तो पीपल्स पार्टी ने किया है क्या? है क्या उनकी नियत है, क्या उनकी प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी की है? उनकी प्रायोरिटी में होता तो और क्या चाहिए था, ये मुल्क में अमन का क्या हुआ? आपकी प्रायोरिटी में है, देखिए ज़र्ब अज़ब में हमारी अस्करी क़यादत ने तो किया और फौज ने कुर्बानियां भी दी, जानों के नजराने भी दिए। नहीं फौज की तो तारीफ आप जरूर करें, अपनी बताएं पीपल्स पार्टी की। हमारी बातें देखें, हमारा तो 60 मील के फासला पर जो है पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे थे जब हमने इक्तदार में आए, हमने तो सवात की वादियों में अपने पाकिस्तान का झंडा दोबारा लहराया, हमने जो है माला वो एक अच्छा काम किया, ऑपरेशन किया साउथ वजीरिस्तान। अब मुझे बता दें कि इसमें कितनी आपकी अहलियत हम जाने, कितनी आपकी अहलियत हम माने कि आपकी 5 साल की हुकूमत के बाद आप कैंपेन करने के लिए नहीं निकल सके, आप अपनी हुकूमत में, अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री में, अपनी होम मिनिस्ट्रियों में आप नहीं निकल सके कैंपेन करने के लिए, तो कितना इफेक्टिव हम जाने आपकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को? माफ कीजिएगा तारीख को मसख न करें, सुनने की जरा हौसला भी रखें। देखें हमने नॉर्थ वजीरिस्तान में भी कहा था कि यानी साहब ने बावजूद इसलिए कि मौसम या जो भी है उन्होंने उधर ऑपरेशन न किया, लेकिन हमने केयर टेकर के सपोर्ट किया था, सही नहीं था। हमें जो जिन्होंने
जिन्होंने हमें माने किया हमें कैंपेन करने से, जिन्होंने हमें जिन कुवतों ने इलेक्शन में हमें रोका वो आपके सामने है, इसलिए हमें उसमें मुर्द इल्जाम न ठहराइएगा, क्योंकि हमारी नीयत में तो हमें आप 100 इल्जाम लगाएं लेकिन हमारे ऊपर आप दहशत गर्दों के कभी भी जो है सहूलतकार का इल्जाम नहीं लगा सकते। ये तो कोई नहीं कह रहा, इफेक्टिव आप नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ, आप देखें थोड़ी कह रहा हूँ इफेक्टिव नहीं था। मुस्लिम लीग के लॉ मिनिस्टर का जरा देखें, उनके अपने शेर अली साहब क्या कहते हैं मुस्लिम लीग के सूबाई पंजाब के लॉ मिनिस्टर के बारे में, और पंजाब में जो जितनी दहशत गर्दी की जो है आमादगाहें बनी हुई हैं साउथ पंजाब खसूसन, वो आज आपके सामने आश्कारा होकर आ गई हैं। और जितना मैं समझता हूं कि अगर जब तक आप पूरे इंटेग्रेटेड सारे पाकिस्तान पर ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, सिंध में आप ऑपरेशन करेंगे वो जो है जाहिर है कि पंजाब की तरफ जो है अपना ऑलरेडी उसकी आमादगाहें हैं, तो ये चूंकि पंजाब में और मरकज की हुकूमत एक ही है वो पंजाब में करने नहीं दे रहे। अब भी अगर ये ना होते ये साने तो ये पंजाब में फिर भी ना होता। और आज हमने इलेक्शन लाहौर हाईकोर्ट में करवाया है, लाहौर हाईकोर्ट बार का जितनी सिक्योरिटी थी हमने इनकार कर दिया कि हमने कहा हम मौखर नहीं करेंगे, हम बार वाले जो है हम हॉस्टेज नहीं होंगे दहशत गर्दों के, हमने कहा कि हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि हम डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, यही मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने कहा था, जान दे के भी ये कहा था कि हम फिर भी जमहूरियत का जो है ठीक है सर, लेकिन ये लाहौर हाईकोर्ट बार की और आपकी और सीनियर लॉयर्स दीगर के इन्फ्लुएंस से पीपल्स पार्टी ने जहां बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की वहां ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बेसिक्स को इस मेयार तक लाने की कोशिश थी या कामयाबी क्यों नहीं हुई कि एक बेसिक जी देखे माफ कीजिएगा 4 साल से पार्लियामेंट बिल्कुल गैर फाल है, आपकी हकूमत की विल में ही नहीं है, आपकी हकूमत की प्रायोरिटी में ही नहीं है, आपकी हकूमत जो माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नवाज की है इनको देखें कि इन्होंने कितना लागर और बेबस कर दिया सारे इदारों को, इन्होंने शहनशाहियत के अंदाज से अपनी सल्तनत कायम कर रखी है और सिवाय सेनेटर साहब इसका आप जवाब दें तो बहुत मीठी बातें हो गई आपके हवाले से, बताएंगे सर जी। जी बहुत अच्छा, देखिए बात यह, मैं खुद अम्यूज़ हो रहा हूँ कौसर साहब की बातें सुन के। मसला ये है कि ये जो टेररिज्म है ये 2001-2 के बाद शुरू हुआ, 15 साल हो गए और इसके अंदर हर पार्टी और इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब की हकूमत, फिर ये पीपल पार्टी की दौरे हकूमत और अभी 3-4 साल से इस हकूमत का है, ये एक पूरी रियासत के लिए एक चैलेंज है, कौमी सलामती को चैलेंज है और इसको पूरी कौम ने मिल के इसको मुकाबला करना है। तो मेरे ख्याल में हमें नीचे गिर के पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे आप एक दूसरे के दस्तों गरेबान होने की मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है, हर ने अपना रोल अदा करना है। और आज ये है कि सारे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून की हकूमत तो नहीं है ना, 2 इम्पॉर्टेंट सूबों के अंदर मुख्तलिफ पार्टियों की है जो अपने तौर पर एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ 5 साल इनकी हकूमत पीपल पार्टी की भी रही है तो क्या उस वक्त सूबों के अंदर या ये लीगल रिफॉर्म्स की बात, ये सेंसस कराना था, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इन्होंने अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहे। अभी ये हुकूमत भी सबके तावन के साथ ये नेशनल एक्शन प्लान बना और डेफिनेटली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है जिसको बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर रिकग्नाइज किया गया है। और अभी चूंकि ये जो फिनामना है टेररिज्म का ये होम ग्रोन नहीं है, दे इसकी जड़ें बाहर हैं और अच्छा, इसका जैसे शेख रशीद साहब बड़ा राइटली कह रहे थे कि आप इसको ऐसे विश अवे नहीं कर सकते। अगर आयरलैंड की जंग देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, जब तक से बायर की सपोर्ट्स है उस तरह आपने अमेरिका का जिक्र किया, उन्होंने इसको करने के लिए गौतनामा दे बनाया जो गैर इंडिया की, हम नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान की किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम कह चुके हैं वेस्ट और अमेरिका को तो वो अभी फिलहाल एब्जॉल्व कर रहे हैं कि वो कोई सीपैक के भी खिलाफ नहीं है, कोई सीपैक को वो सबटाज नहीं करना चाहते, तो हम क्या समझें कि आप इल्जाम अफगानिस्तान को दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं बैरूनी ताकतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया फुल्ली तौर पे इन्वॉल्व है, वरना देखें इंडिया फुल्ली तौर पे आपके इन्वॉल्व है जो टारगेट पाकिस्तान के अंदर वो सिलेक्ट करते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से आके इमरान इस्माइल भी व्यू लेंगे, बल्कि उनके पास हमें पहले भी जाना था। नाज़रीन ये बात जो है बहुत अब अरसे से
और मेरे ख्याल से हम 6-7 साल से जो टी वी पे हैं, दहशत गर्दी पर शायद जितने शोज़ हुए हैं, बदकिस्मती से किसी और चीज़ पर शायद नहीं हुए अभी तक, सोल्यूशन से हम बहुत दूर हैं। ऐसा क्यों है इसके हवाले से हम बात करेंगे और इमरान इस्माइल साहब जो PTI के सीनियर लीडर हैं उनसे ये बात शुरू करेंगे और फिर आगे कयूम साहब के पास भी जाएंगे और हुकूमत का मौकफ लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एजेंडा 360। हम दहशत गर्दी, मिलिट्री कोर्ट्स और दीगर हुकूमतें उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। 2001 से अगर ये इशू तो बहुत पहले का है, लेकिन 2001 में 9/11 होता है और ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर की बात होती है। वहाँ पे हमने फौजी हुकूमत भी देखी जिसमें PMLQ की हुकूमत भी रही, फिर हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी, अब PMLN की हुकूमत है और PTI जो है वो पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है। इमरान इस्माइल साहब, ये बड़ा तवील अरसा गुजरा है, आप थोड़ा सा सर बताइए कि अब हम क्या आइंदा की बात करते हैं। पोस्टमार्टम हमने काफ़ी कर लिया और काफ़ी हुकूमतों की तनकीद भी हो गई, आप बताएं सर आइंदा का वक्त आप किस तरह देखते हैं और क्या हमें वो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए जो शायद बेहतरी ला सकें। हैदर, थोड़ा सा अगर मैं इसमें एक अपना व्यू शामिल करना चाहूँगा कि आप जो बार बार 2001 की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे बहुत पीछे से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी शुरू हुई। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रूहानी बाप जनरल ज़ियाउर रहमान की पैदावार है और उन्हीं की आज बाकियात जो हैं वो, या उनकी सोच जो है वो आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकी है। नून में अभी भी ऐसे लोग हैं, हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस माइंडसेट को सपोर्ट भी करते हैं, खुलेआम करते हैं, घूमते हैं उनके साथ, जब इलेक्शन आते हैं उनकी जीपों में वो नज़र आते हैं, उनकी सपोर्ट पर इलेक्शन जीतते हैं, सदन पंजाब से सपोर्ट लेते हैं, वहाँ ऑपरेशन नहीं होने देते। इन सारे मामलों को देखते हुए अगर ये सारे हम तहफ़ात अपने अपने इलेक्शन जीतने की हद तक रखेंगे कि मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ वहाँ मुझे सपोर्ट मिलती है फ़लानी कलदम जमात की, तो लिहाजा इस जमात को हाथ ना लगाइए, उस जमात को हाथ लगा लीजिए जिससे मुझे सपोर्ट नहीं मिलती, तो इस तरह से तो हम दहशतगर्दी पर कभी ज़िंदगी भर काबू नहीं पा सकेंगे। अगर मिनाज़ुल कौम हमने ये डिसाइड करना है या कर लिया है कि हम दहशतगर्दी से आने वाली नस्लों को बचाएँगे, हम तो नहीं बचे, हमारी तो उम्रें गुजर गई, हम तो अपने सारी उम्र हमने यही देखा दहशतगर्दी टेररिज्म, कोई 25-30 साल से मुसलसल हम यही चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। आने वाली नस्लों को अगर हमने बचाना है और उनको एक महफूज पाकिस्तान देना है तो हमने सबको यकजहत एक जान होकर हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने अपने ज़ाती मफादात को छोड़ के। हम ये नहीं कर सकते कि जी कराची में क्योंकि बोरी में लाश मिलती है लिहाजा कराची में आप रेंजर्स का ऑपरेशन करा लीजिए, लाहौर में क्योंकि बोरी में लाश नहीं मिलती लिहाजा लाहौर में ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपको अक्रॉस बोर्ड एक तरह का निज़ाम बना के जो नेशनल एक्शन प्लान आपने बनाया मनवान उस पर अमल करके चलना पड़ेगा, तब भी मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है 5-10 साल लग सकते हैं इसके अंदर, अगर हम फुल फोर्स के साथ एक जान होकर इसके खिलाफ लड़ें, चाहे वो हम KPK में लड़ना पड़े, चाहे हमें बलूचिस्तान में लड़ना पड़े, पंजाब हो या वो का क्या रोल आप देखते हैं, चाइनीज जो उनके अजायम या नज़र आते हैं उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपके ख्याल से कोई CPEC का भी इसमें रोल हो सकता है कि एक तो CPEC को रोकने के लिए बैरूनी कुव्वतें इस्तेमाल कर सकती हैं और दूसरी तरफ CPEC ताकि हो सके हमें इमदाद भी चाइना से मिल सकती है, और क्या मिलके चाइना और पाकिस्तान इसका आगे आपको नज़र आ रहा है कि कुछ करेंगे, किस तरफ देख रहे हैं आप इसको अगले 5 साल? हैदर, एक तो जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है ना तो हम उसको जोड़ते हैं कि अच्छा ये फलाने मुल्क ने इसलिए किया होगा कि पाकिस्तान में लाहौर में PCL का PSL का वो ना हो सके, फाइनल ना हो सके, लिहाजा इंडिया ने बहुत बड़ी गहरी साजिश और चाल चली है। भाई इंडिया तो चाल चलेगा, इंडिया तो अपने मुल्क के मफादात देख रहा है या अफगानिस्तान अपने मुल्क के मफादात देख रहा है, पाकिस्तान कैसे नहीं रोक पा रहा इन चीज़ों को? क्या पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है कि जब इंडिया का दिल चेहरे करे वो कुछ यादव को पाकिस्तान भेजे, वो यहाँ पूरा अपना नेटवर्क बनाए, और कहीं साहब ये इसकी अगर वो पकड़ा जाए तो उसके बारे में हम बात भी ना करें। मुझे बताएं कुलभूषण यादव का क्या बना, कितने केसेस उसके ऊपर लगाए, कौन कौन से उसके ऊपर दफा, ठीक है, अगर जवाब ले लें इमरान साहब बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जब भी हम बात करते हैं आप इसकी रिस्पांस दे दें कि भाई सिर्फ ये कह देना कि एक साजिश है इट्स नॉट गुड इनफ, इट इज़ द नॉट गुड इनफ, फाइन। देखिए बात यह है कि 2001 से पहले भी रेडिकलिज्म और इंतहा पसंदी फ़िरकावारीत की लानतें तो थीं, लेकिन ये सुइसाइडल अटैक और रियल सेंस में मिलिटेंसी 9/11 के बाद आई, जिसके ऊपर फोर फ्रंट में पाकिस्तान और सबसे वर्स्ट हम विक्टम भी बने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अभी आपने बात की आगे चलने की, अनफॉर्चुनेटली जब आप किसी भी जमात से पूछते हैं जो हुकूमत में है सूबों में,
तो वो बजाय इसके कि ये बताएं कि उन्होंने क्या लीड ली, उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट की, चार साल हो गए हैं और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, फौरन कहते हैं नून जो है आज से 30 साल पहले भी ख़राब थी, आज भी ख़राब है और तीन दफ़ा पूरी पाकिस्तानी कौम ने उनको इतनी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत के अंदर ले आए हैं, तो इसलिए हम उनके उसके मैंडेट की भी तौहीन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लेट्स नॉट फाइट विद ईच अदर, कोई नहीं करते, ये एक मेनेस है आपने पूरा ये बड़ी डेंजरस है, वी आर आउट ऑफ टाइम और शेख रशीद साहब, लतीफ़ खोसा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। facebook.com/agenda360 पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक बार फिर 7:05 पर फिर मिलेंगे।